सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अगर यदि आप तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपकी सीएससी आईडी सस्पेंड भी की जा सकती है। आज ही जल्द से जल्द अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसे सीएससी आईडी से जल्द से जल्द लिंक करें। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और सीएससी आईडी से कैसे लिंक करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, आप जो भी व्यापार करते हैं उसकी जानकारी और उसका प्रमाण ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है कि आपका क्या व्यापार है और आप उसमें क्या सेल करते हैं, आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं। तो आप ये सभी जानकारी देने के बाद अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर यदि आपको कहीं से इसके अगेंस्ट लोन उठाना हो तो आप अपने बिजनेस के अगेंस्ट लोन्स भी उठा सकते हैं और आप काफी सारी सरकारी योजनाओं का भी इससे लाभ ले सकते हैं। देरी न करते हुए अब हम चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और जानते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लॉगिन करने के बाद सर्विस के अंदर जाना है। यहाँ पर सर्च का विकल्प दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उद्यम टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख जाएगा, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करके डिजिटल सेवा के साथ यानी सीएससी आईडी के साथ आपको इसे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और आधार कार्ड में जो भी नाम है वह डालना है। इस चेक बॉक्स को चेक मार्क करने के बाद वैलिडिटी जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड किस टाइप का है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप में है, कोऑपरेटिव है, उसका चयन कर लेना है। इंडिविजुअल होने पर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब आपने पिछले बीते हुए वक्त में ITR फिल किया था या नहीं तो यस या नो पर क्लिक करना है। ITR का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास में GSTN नंबर है या नहीं, जो कार्य आप कर रहे हैं अभी इस वक्त तो उसका यहाँ पर GST है या नहीं तो यस या नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आना है, आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, OBC, CST, SC जिसमें भी आप आते हैं। जेंडर का चयन करना है, दिव्यांग है या नहीं उसका चयन करना है। उद्यम का नाम यानी कि यहाँ पर आपकी शॉप का क्या नाम है उसे टाइप कर देना है। यहाँ पर आप किस चीज का कार्य करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक कीवर्ड नेम यहाँ पर दे देना है। जैसे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता हूँ तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर इंटरनेट टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपने जो भी यूनिट नेम दिया था उसका चयन करना है और आपको अपना एड्रेस देना है। अगर यदि आपका ऑफिस है तो आप नीचे ऑफिस एड्रेस दे सकते हैं। पिछला रजिस्ट्रेशन आपने इसमें कराया है या नहीं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। अगर कराया है तो कब कराया है उसकी जानकारी यहाँ देना है। आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसकी डेट यहाँ पर दे देनी है। आप अपने बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक खाता नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मेजर एक्टिविटीज में यहाँ पर आप सर्विस का चयन कीजिए। मेजर एक्टिविटीज अंडर सर्विस में आप यहाँ ट्रेडिंग का चयन कीजिए। NIC कोड में आप जो भी कार्य करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो उससे रिलेटेड NIC कोड यहां पर नीचे दिखाई दे देते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कंप्यूटर टाइप करता हूं। उसके बाद यहां पर सर्विस पर चयन करना है। यहां पर आपको कुछ कोड दिखाई दे रहे होंगे। NIC 2 डिजिट कोड में यहां पर मैं अपने कोड को चयन कर लेता हूं। NIC 4 और NIC 5 कोड का चयन भी मैं यहां पर कर लेता हूं। इसके बाद मैं ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरी ऐड एक्टिविटीज में यहां पर मेरी NIC कोड कैटेगरी ऐड हो गई है। ठीक इसी प्रकार से आप और भी कोई अन्य सर्विस या अन्य कोई कार्य करते हो तो उसका NIC कोड इसी प्रकार से यहां से प्राप्त कर सकते हैं और ऐड मोर एक्टिविटीज पर क्लिक करके यहां पर उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। आपके पास में कितने वर्कर कार्य करते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और उसकी जानकारी देने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट चयन करना है और इस बॉक्स को चेक मार्क करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP पहुंचाया जाएगा। OTP डालने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ फिल करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। OTP प्राप्त नहीं हुआ तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP प्राप्त कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको CSC वॉलेट पेमेंट पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपकी CSC पोर्टल से ₹1 काटा जाएगा। यहाँ पर आपको आपका CSC ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट करने
करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट वेरीफाई पर जाना है। यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो यहाँ पर दिया हुआ था उसे यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी मोबाइल पर क्लिक करने के बाद वैलिडिटी ओटीपी जनरेट करना है। मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा और यहाँ पर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप उसे दोबारा से कैसे प्राप्त करेंगे? प्रिंट वेरीफाई पर जाना है। फॉरगॉट उद्यम UAM नंबर पर आपको क्लिक करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मोबाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देना है। वैलिडेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ दर्ज करना है। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर जाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालकर मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। ओटीपी मोबाइल पर क्लिक करना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। ऊपर प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको आपके CSC पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आप माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में भी हो सकता है आपके यहाँ पर पूछा जाए, आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ से लिंक कर लेना है। इतना छोटा सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए इसी प्रकार की ढेर सारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं हमारी इसी प्रकार की नेक्स्ट किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।